टेलीफोन लाइंस पर मौजूद हैं FM 101 कराची के इंचार्ज, और इनसे हम बात करेंगे और इनको ऑन एयर लेंगे और इनसे पूछेंगे कि कहाँ हैं ये। मुझे ये पता चला है कि ये हैं ज़ियारत में, तो आइए इनको ऑन एयर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीरुल्लाह साहब, कैसे मिजाज आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए कहाँ मौजूद हैं? जी मैं इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत ही पुरफजा मकाम है ज़ियारत, जहाँ बाबा कौम हजरत कायदे आजम ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। आज मैं वहाँ मौजूद हूँ और मुझे यहाँ जो चीज खींच के लाई है जी, वो है कि हमारे एक दोस्त हैं अमजद रशीद साहब, उनकी एक फाउंडेशन है तरक्की फाउंडेशन। सही। मुल्क में जो दहशतगर्दी और ये जो लाकानूनियत है और ये जो लोगों को थ्रेट है हर किस्म की, उसके खिलाफ एक अवेयरनेस कम्पेन के सिलसिले में बहुत बड़ा प्रोग्राम एक अरेंज किया था। जबरदस्त। और आप ये देखिए कि ज़ियारत जो है इस वक्त बहुत यहाँ सर्द मौसम है, आप इस वक्त कराची में एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, मैं इस वक्त स्वेटर भी पहने हुए हूँ, ऊपर जैकेट भी पहना हुआ हूँ और उसके बावजूद भी सर्दी में टिटर रहा हूँ। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा सर, असल में बात यह है कि लोग तो जून जुलाई में यहाँ से पहले छुट्टियां मनाने ज़ियारत जाते थे, पुरफजा मकाम था, और इस वक्त तो यकीनी तौर से ज़ियारत खासा ठंडा होगा। तो चलें जी, हम यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, अभी सर्दी इतनी हुई नहीं है यहाँ, तो हम थोड़ी गर्मी इंजॉय करें, आप सर्दी को इंजॉय करें सर। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ज़ियारत एक छोटा सा आप इसे शहर कहें कस्बा कहें, और यहाँ जिंदगी बड़ी महदूद सी है, इसलिए कि सर शाम जो है मगरब के बाद जो है वो मामूलात जिंदगी बहुत महदूद से हो जाते हैं। बिल्कुल। इस वक्त अब आप देखें कि 2:30 है और सैकड़ों लोग इस वक्त जो है ये ज़ियारत के स्टेडियम में मौजूद है, इसलिए कि अभी एक मशल बरदार जुलूस आया था तरक्की फाउंडेशन में इसी अवेयरनेस कम्पेन के सिलसिले में, और उसमें सैकड़ों लोग गाड़ियां रक्शे मोटर साइकिलें हर तरह के लोग जो है उसमें शामिल थे और अपने अज़्म का इजहार कर रहे थे और यकजहती का इजहार कर रहे थे। यहाँ नेशनल अपना ज़ियारत रेजिडेंसी से वो मशल बरदार जुलूस का आगाज हुआ था और यहाँ ज़ियारत के जो स्टेडियम है यहाँ इसका इख्तिताम हुआ है, और इस वक्त आतिशबाजी का एक यहाँ सिलसिला शुरू है और लोग काफी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और आतिशबाजी से महसूस हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त। और सर यहाँ जितना इस वक्त क्वेटा ज़ियारत स्पेशली बलूचिस्तान में इस अवेयरनेस की जरूरत है, तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने तरक्की की जो पार्टी आप बता रहे हैं कि इन्होंने इसका दिया है, तो पूरी FM 101 की तरफ से उनको मुबारकबाद दीजिएगा तमाम लिसनर्स की तरफ से। जैसा आपने फरमाया कि FM 101 की मुबारकबाद के मुस्तहिक है, ये हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है, पूरे पाकिस्तान की मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जहाँ इस कदर हर वक्त फैक्ट्स है और इस कदर खौफ का आलम है, उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम अरेंज किए हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज दिन में यहाँ फुटबॉल के मुकाबले होते थे, वॉलीबॉल के मुकाबले होते थे, माशाल्लाह जबरदस्त। उसके बाद होगा एक मौसीकी की बहुत बड़ी महफिल सजेगी, और कल जो है इसका जो नुक्ता उरूज है इस तमाम तकरीबात का वो ये है कि कल ज़ियारत जो है ये 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है क्वेटा से, तो कल साइकिल रैली होगी, अवेयरनेस साइकिल रैली ज़ियारत शुरू होगी और उसका इख्तिताम क्वेटा में होगा जाके, और इसमें बेशुमार साइकिलिस्ट जो है वो शिरकत करेंगे, और मकसद और मतलब सिर्फ लोगों में शऊर और आगही का पैदा करना है। जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह से बहुत जरूरी चीज थी, और जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं उससे हमें भी एक मिल रहा है, इनकरेज मिल रहा है कि ऐसी जो है सूरतेहाल जो वहां पर स्पेशली वहां पर इस किस्म का होना, माशाल्लाह से सर बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सब लोग, आपके दोस्त भी और सब के जिन्होंने इस काम को सर अंजाम दिया है और कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह बलूचिस्तान में थोड़ी अवेयरनेस भी हो और मजीद वहां हालात बेहतर हों। बस चूंकि ये बहुत एक अच्छा और बड़ा इवेंट था, तो गैम में थोड़ी से आपके तवस्सुत से वालों में भी ये बात जो है उनको उसको फैलाया जाए कि किस तरह बलूचिस्तान के इस दूर उफ्तादा मकाम के ऊपर जहां सहूलतें भी इतनी ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़े प्रोग्राम अरेंज किए गए और बहुत कामयाबी के साथ अरेंज किए गए। आज बलूचिस्तान के 2 वुजरा भी जो है वो सुबह से शाम तक इन तमाम प्रोग्रामों में बरस नफीस मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन थे, अफसरान थे, और लोगों की तो बहुत ही बड़ी इसमें पार्टिसिपेशन है
तो यकीनन जैसा आपने भी कहा और मैं भी आपको बता रहा हूँ और सुनने वालों को बता रहा हूँ कि वाकई तरक्की फाउंडेशन ने ये बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा एक छोटी सी और भी बात बताते चलो, जरूर जरूर, इस कंपेन में एक मकसद और मतलब ये भी था कि जंगलात की हिफाजत की जाए। हमारे सुनने वालों को मालूम होगा कि सनोबर जुनिपर का जो जंगल है जी जी। जो दुनिया में शायद ये तीसरा बड़ा जंगल है जो ज़ियारत में वाक़ है, इसको एक वर्षा जो है दर्जा दे दिया गया है और ये इसके इसको बचाने के लिए, इसको कटने से बचाने के लिए जो है लोगों में शऊर और आगाही पैदा की जा रही है। इस जुनूपर जो है ये बहुत ही नायाब दरख्त है और इसके जंगल जो है दुनिया में इसके अलावा ज़ियारत के अलावा सिर्फ दो मकामात पर और हैं, एक कहते हैं कि कनाडा में है और एक तुर्की में है। अच्छा। और यहाँ से इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा इसका ये हमारा सरमाया है। लेकिन आपको पता है कि ज़ियारत जो है ठंडा मकाम है और यहाँ अब लोगों के लिए सर्दी से बचने का जो आसान और सबसे जरिया है उससे यही है कि सनोबर के जो ये दरख्त है इन्हें काटा जाए, जलाया जाए और इससे अपने आप को सर्दी से महफूज रखा जाए। पिछले कुछ अरसे से ज़ियारत को गैस की फरहमी यकीनी बनाई गई लेकिन अब गैस की भी लोड शेडिंग है तो गैस भी यहाँ अब कुछ कम आ रही है जिसकी वजह से अब लोग मजबूर है कि इस जंग को काटा जाए। तो इस वाक और इस तमाम तकरीबात में इस बात को भी बहुत ज्यादा उजागर किया गया जो हमारे इख्तियार हैं वो इस बात को यकीनी बनाए कि ज़ियारत में जो है वो गैस की फरहमी मुमकिन हो सके ताकि इस जंगल को मजीद तबाही से बचाया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तरक्की फाउंडेशन जो किरदार अदा कर रही है उस पर तो वाकई खराज तहसीन, उनको सलूट टू देम। और एक चीज और है कि जिस तरह लोग इतनी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं तो उन सब ये चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो, यहाँ तरक्की हो, अवेयरनेस हो, क्या कहेंगे? बस यही एक जज्बा है सब में, हम सब अब चाहते हैं कि इस खौफ से, इस दहशत गर्दी से निजात हासिल की जाए और इस मुल्क को जो हमारा एक दुआओं का और ख्वाबों की ताबीर है इसको एक ऐसा अमन का गहवारा बनाया जा सके जहाँ मैं और आप आराम से जिंदगी गुजार सके। आज से कुछ साल पहले तक तो हम लोग भी अपनी वेकेशन के लिए जाया करते थे ज़ियारत, क्योंकि चीप एंड बेस्ट जिसे हम कहते हैं कि तफरी थी, नजदीक है, 12 घंटे का फासला कराची से बाय रोड क्वेटा पहुंचे और फिर आगे 3-3.5 घंटे में आप ज़ियारत पहुंच जाते थे। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है कराची के शहरियों के लिए, वहां तक रसाई के लिए कुछ बताएंगे सर? ये मेरे पसमंजर में आपको बाजी है जी जी आ रही हूँ। बिल्कुल आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। या तो ये बड़ा एक खूबसूरत मंजर है। बहरहाल आप अब अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एनीवे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी आपने एक हमें अवेयरनेस दी इस हवाले से और ज़ियारत से। जब आपने फोन किया है तब यकीन करें मुझे सर्दी महसूस हो रही है और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस स्टूडियो का एसी बंद कर दूं क्योंकि माशाल्लाह आपकी आपको वहाँ एंजॉय करते देखकर कुछ हमें भी सर्दी महसूस हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी।